राजधानी रायपुर में आज युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री विजय शर्मा का निवास घेराव करने के लिए निकल पड़े। हालांकि रायपुर पुलिस के द्वारा उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया, जिसके बाद कांग्रेसियों और पुलिस में भारी झड़प देखी गई। छत्तीसगढ़ में प्रदेश की सरकार बदलते ही विपक्ष में जो कांग्रेस है, यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस के विरोध में आ चुका है। पिछले चार महीनों में भाजपा की सरकार होने के बाद में जो कुछ भी कानून व्यवस्था पर यहाँ पर जो भी अपराध देखे गए, उसको लेकर यहाँ पे आज महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आज नगर निगम के पास में यहाँ पर घेराव कर रहे हैं और ये सीधे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के घर के निवास से घेराव करने के लिए निकल रहे, लेकिन इन्हें यहाँ पर निगम के पास में रोक लिया गया। हम यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है और बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर पहुँचे हुए, युवा कांग्रेसी पहुँचे हुए, महिला कांग्रेसी पहुँचे हुए, उसी के साथ में यहाँ पर पुलिस से भी यहाँ पर धक्का मुक्की करते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर युवा कांग्रेसियों को बुरी तरह से खदेड़ा जा रहा है रायपुर पुलिस के द्वारा, जिला पुलिस के द्वारा, और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि उन्हें चोट ना लगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं पूर्व विधायक के विकास उपाध्याय भी मौजूद है और कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और इन सबका एक ही कहना है कि जब से प्रदेश में भाजपा की साय सरकार आई है, उसके बाद से कानून व्यवस्था यहाँ पर गली मोहल्लों में जो कि चाकूबाजी हो रही है, इस तरह के इनका आरोप है कांग्रेसियों का। और लगातार यहाँ पर हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। बीजेपी सरकार आने के बाद जिस तरह से कानून व्यवस्था लचर हुई है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है और PCC भी है, सभी युवा मिलकर कांग्रेस का बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ता मौजूद है, घेराव किस चीज के लिए? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ जो एक शांत प्रदेश कहलाता था वो अपराध का गढ़ बन चुका है। महिलाएं असुरक्षित है, बड़े बड़े जो चुनाव के समय इन्होंने वादे किए उसको भी पूरे नहीं किए और आज आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था कितनी लचर है। और जो बलौदा बाजार वाला कांड हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही निंदनीय है, प्रशासन अपना काम नहीं कर पाई है। विकास उपाध्याय जी मौजूद है, क्या कदम है आप लोगों का अगला? देखिए, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, युवा कांग्रेसियों का आज आंदोलन था। इस आंदोलन में जिस प्रकार से अपराधियों को हौसला बुलंद छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हुआ, मैं समझता हूँ कभी छत्तीसगढ़ राज्य में इतना बड़ा नहीं हुआ। 6 महीने में गृह मंत्री की पोल पट्टी खुल गई, खाली फोटो छपाते हैं। उनके इस्तीफे की मांग करते हुए युवा कांग्रेस आंदोलन किया। आप लोग को तो यहीं तक रोक देगा निगम तक, आगे क्या कर? ये पुलिस है, ये पुलिस अपराधियों को तो रोक नहीं पाती। बलौदा बाजार में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसको इन लोग रोक नहीं पाए। आरंग के अंदर 3 लोगों की हत्या हो गई, उससे तो उस पर कोई बात हो नहीं पाई। अब आदिवासी भाइयों को नक्सली बताकर उनको गिरफ्तार किया जाता है, एनकाउंटर किया जाता है, लेकिन निर्दोष लोगों को पकड़ने का काम पुलिस कर रही है। केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है, कहां तक उम्मीद है, क्या क्या कुछ हो सकता है? हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जनता के हक और अधिकार की लड़ाई उनके साथ में रहकर करते हैं, उसके बावजूद हमारे कांग्रेस के साथ ही लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ विकास उपाध्याय जी, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ ही लगातार हमारी कांग्रेस साथ ही लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर क्या कदम उठाती है, इस घेराव को लेकर आगे और क्या कुछ होता है? मैं मोहम्मद साजिद, कैमरा पर्सन अजहर के साथ रायपुर से रफ्तार।